मई के महीने में वापस इलेक्ट होके आते हैं ये जो एक कॉन्सेप्ट हिंदू राष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट भी लागू देश में हो सकता सकती बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी आप आ, मेरा इंटरव्यू करने के लिए सबसे पहले तो अपने दर्शकों बता दूं कि ये जो मेरी किताब है इसका नाम है हिंदू राष्ट्र और ये किताब आ, मैंने दरअसल अगर एक तरीके से देखें तो थोड़ी सी अलग है अलग इस लिहाज से है क्योंकि 2014 से लेकर 2019 का जो नरेंद्र मोदी जी का जो काल है जो समय है जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त का इसमें जिक्र है लेकिन अलग इस, से है क्योंकि इस किताब में आ, मैंने क्रॉनिकलिंग नहीं की है कि एक जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो किताब को आ, इवेंट्स दर इवेंट का वर्णन करते चले जाते हैं हमने कोशिश ये की है कि इन पांच सालों में 2014 से 2019 के बीच में जो नरेंद्र मोदी जी का अपना काल है अपना समय है इस समय को कैसे एनालाइज किया जाए और भारत के इतिहास में इसको कैसे देखा जाए क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि 2014 में माफ करिएगा मेरा गला थोड़ा सा खराब है 2014 में जो सरकार बदली वो बाकी सरकारों की बदली से बहुत फर्क है और इसीलिए मैंने अपनी इस किताब का जो सेकेंड uh, प्रीफेस था सेकेंड uh, एडिशन का जो प्रीफेस था उसमें इस बात को लिखा है कि जैसे उन्नीस में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था वो एक सरकार से दूसरी सरकार को पावर नहीं था बल्कि ब्रिटिशर्स से हिंदुस्तान को को uh, को सत्ता सत्ता का ट्रांसफर हुआ था और वो रेडिकली डिफरेंट था क्योंकि जो, जो अंग्रेज चलाते थे और भारत जो भारतीयों के हाथ में आया तो वो एक अलग तरीके का सत्ता का बदलाव था उसी तरीके से 2014 में जो सत्ता का बदलाव हुआ है जो सरकार का बदलाव हुआ है वो बाकी सरकारों के बदलाव से फर्क है क्योंकि ये वो सरकार है जो आरएसएस की विचारधारा से चलती है हिंदुत्व की विचारधारा से चलती है और इसकी सोच अब तक की पहले की तमाम सरकारों से बिल्कुल अलहदा है बिल्कुल फर्क है तो इसलिए मेरा कहना यह है कि पहले जो सरकारें थी उनके बीच में काफी साम्यता थी अगर आप उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी जोड़ने हालांकि वो भी हिंदुत्व के मानने वालों की सरकार थी लेकिन वो क्वेलिशन गवर्नमेंट थी तो इसलिए बहुत कुछ चीजें वो नहीं कर पाए या नहीं कर सकते थे जैसे कि तीन जो उनके बड़े मुद्दे थे उसको उन्होंने बैकबर्नर रख दिया था अयोध्या के मसले को धारा तीन सौ सत्तर को और कॉमन सिविल कोर्ट को उन्होंने किनारे रख दिया था जो हिंदुत्व के कोर एजेंडे थे आशुतोष जी मैं ये एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ अगर वाजपेयी जी के पास भी ऐसी मेजोरिटी होती क्या वो भी ऐसी होते, या जैसे अब वाजपेयी की छवि जो बनी है एक सॉफ्ट स्पोकन लीडर की या वो ऐसे ही रहते देखिए मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे लिबरल थे मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं किसी भी व्यक्ति को या उनके सरकार को समझने के लिए उनकी जो विचारधारा है उसको महत्वपूर्ण मानता हूं और दो इंसिडेंट ऐसे हैं जिन इंसिडेंट के आधार पर मेरा मानना यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास भी अगर बहुमत होता तो भी मोरारलेस जैसी आज सरकार है लगभग उसी तरीके से होती थोड़ा बहुत अप्रोच का फर्क होता नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या है कि वो बहुत ही सेंट्रलाइजिंग फिगर है बहुत ही पोलराइजिंग फिगर है सारी सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं किसी भी मंत्री को किसी भी अपनी पार्टी को वो कोई पावर देना नहीं चाहते Uh, अटल बिहारी वाजपेयी में थोड़ा सा यह फर्क था लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जो ड्राइविंग फोर्स था उनकी विचारधारा थी जो हिंदुत्व थी और नरेंद्र मोदी का भी जो ड्राइविंग फोर्स है उनकी विचारधारा हिंदुत्व है तो अप्रोच का फर्क हो सकता था हो सकता है तो सोसाइटी इतनी पोलराइज नहीं होती हो सकता सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इतना ज्यादा नहीं होता लेकिन जो हिंदुत्व का उभार आज देखने को मिलता है कमोवेश वैसा ही देखने को मिलता मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है दो इंसिडेंट है एक अटल बिहारी वाजपेयी अगर बहुत लिबरल होते तो जो 2002 का जो गुजरात का दंगा हुआ था उसको रोकने के लिए कारगर कदम क्यों नहीं उठाते और अगर हो भी जाता मान लीजिए कभी कभी हो जाता है तो फिर उसमें जिन लोगों ने वो कारगुजारी की थी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की उस सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त किया वो सरकार तो कभी बर्खास्त नहीं हुई बर्खास्त करने की कोशिश की लेकिन बर्खास्त नहीं हुई उसी तरीके से ग्राहम स्टेंस को जो जिंदा जलाया गया था या जो चर्चेस पे हमले किए गए थे अः वो क्यों नहीं रोक पाए वो तो ये ये दोनों इंसिडेंट वो हैं जो हिंदुत्व की कोर विचारधारा से जुड़ी हुई हैं कोर विचारधारा क्या है वो एक तरीके से नफरत पे आधारित है और वो अः मुस्लिम समुदाय हो या फिर क्रिश्चियन समुदाय इन दोनों के खिलाफ ज्यादा टारगेटेड होती इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर होते तो इस सरकार में और उस सरकार में कोई बहुत ज्यादा फर्क होता आशुतोष जी आपने अपनी इस किताब में अपने घर का भी जिक्र किया है जिसमें आपने अपने फादर और आपके जो आ, भाई हैं उन दोनों का जिक्र किया है किताब में कि वो कैसे बीजेपी के हित में हमेशा बात करते थे और आप हमेशा कैसे सेक्युलर और लिबरल फ्लोरिस्टिक जो वैल्यूज हैं पे रहे हैं तो आज आपके घर में चूंकि अब ये जो बीजेपी वाला ये मोदी का जो फिनोमिना है घर घर के बेडरूम्स में तक ये पहुंच गया है मैं आपके पे तो हमारे बहुत अच्छे हैं और वो उसमें तो को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम लोग पॉलिटिक्स से बात ही नहीं करते तौर पर मैं क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर पॉलिटिक्स से बात करूंगा तो शायद कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है मतभेद हैं सबको मालूम है उनको मेरे विचार मालूम है मुझे उनके विचार मालूम है तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूं किसी तरीके की पॉलिटिकल बातचीत उनका करने के बाकी जो घरेलू रिश्ते हैं जो संबंध है वो आज भी ठीक ठाक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं ये फिर से अपने uh, अपने क्वेश्चन पे पे सवाल वापस आ रहा क्या मई के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वापस आता हूँ जी सकता, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदू राष्ट्र बनाएंगे देखिए एक तो पहली बात हमें समझनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र नाम की कोई अः Uh, कोई कोई उसका खाका नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास या फिर आरएसएस के पास भी मैंने काफी कुछ खगड़ने की कोशिश की है uh, उसमें uh, वो खाका दिखाई मुझे नहीं पड़ता है लेकिन अगर आज आप देखें 2014 में जो भारत ब्लू प्रिंट लेकिन जो 2014 के पहले का जो हिंदुस्तान था आज दो का हिंदुस्तान उसमें बहुत फर्क आ गया है बहुत ज़्यादा फर्क हो गया और हिंदू धर्म को जिस तरीके से प्रधानता दी जा रही है राजसत्ता जिस तरीके से हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करती है दूसरे धर्मों के लोगों को स्पेशली जो माइनॉरिटीज हैं क्रिश्चियंस एंड एंड मुस्लिम्स उनको उनको एक तरीके से अभी हम कह सकते हैं कि उनको सेकेंड क्लास ग्रेट सिटीजन बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही क्लियर है जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है आ, मेरा अपना मानना यह कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को दो तिहाई से ज्यादा बहुमत नहीं मिलता है तब तक वो संभव नहीं हो पाएगा आ, लेकिन आ, आ, इस संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते आप लेकिन उसका 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 स्वरूप क्या होगा उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा उसका खाका क्या होगा उसका आर्किटेक्चर क्या होगा अभी मेरे दिमाग में उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है Uh, जब मैं दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ता हूं तो उनकी किताब में एक जगह इस बात का जिक्र आता है हिंदू uh, वो कहते हैं कि धर्म राज्य होना चाहिए तो वो नेशन स्टेट की बात नहीं करते वो धर्म राज्य की बात करते हैं और धर्मराज की बात करते करते वो ये कहते हैं कि जो धर्म है वो सर्वोपरि होना चाहिए पीपल uh, सर्वोपरि नहीं होने चाहिए द सावरंटी ऑफ पीपल नहीं होनी चाहिए सावरंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है सावरिंटी ऑफ मेजोरिटी का क्या मतलब है सावरंटी ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब है तो वो जो वो कहते हैं कि सावरेंटी जो है वो सिर्फ धर्म की होनी चाहिए धर्म को वो यूनिवर्सल वैल्यूज के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तब मैं कहीं ना कहीं ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद जिस तरीके से वहां सरकार का आर्किटेक्चर बना आ, मुझे लगता है कि शायद कुछ उन लोगों के दिमाग में वो दृष्टि रही होगी हालांकि दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु तो है वो ईरानियन रिवोल्यूशन के बहुत पहले हो चुकी थी जैसे ईरान के अंदर एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स है या काउंसिल ऑफ क्लर्जीज है और वो ये उसको वो कहते हैं कि जी गार्जियन काउंसिल हाँ गार्जियन काउंसिल तो वो गार्जियन काउंसिल दरअसल सरकार के तौर तरीकों को सरकार की पॉलिसीज़ को किस धर्म के हिसाब से या इस्लाम के हिसाब से सरकार चल रही है नहीं चल रही उनकी नीतियां उस हिसाब से बन रही नहीं बन रही है उसको वो वो एनालाइज करती है और उसको उस, उसके हिसाब से वो वो सजेशंस देती है और आप उसको आप मना आ, 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 नहीं कर सकते तो क्या उस तरीके का कोई मॉडल इनके दिमाग में है जब आप कहते हैं कि धर्म सर्वोपरि होगा धर्म की सावरंटी होगी और आ, आ, कब, वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि अः धर्म जो है वो अः दस लोग खड़े हैं उनमें से एक आदमी धर्म के साथ खड़ा हो तो नौ आदमी की बात नहीं चलेगी फिर चलेगी उसी एक आदमी की बात जो धर्म के साथ खड़ा हो और धर्म ही तय करेगा फिर वो तो ये ये जो बातचीत है ये बातचीत कहीं ना कहीं हमको ईरानियन जो मॉडल है उसकी तरफ ले जाता है बट आई एम स्टिल नॉट नॉट दिस इज नॉट माई द लास्ट वर्ड ऑन दिस और uh, मेरे मेरे दिमाग में सिर्फ एक खाका है क्योंकि इनके अपने लिटरेचर में कहीं हिंदू राष्ट्र को डिफाइन नहीं किया गया बट इस बात के खतरे ज़रूर है कि अगर इनको तीसरा टर्म मिलता है दो तिहाई से ज़्यादा बहुमत मिलती है तो संविधान में बड़े पैमाने पर यह बदलाव करेंगे क्योंकि ये जो संविधान है इस संविधान को उन्होंने कभी दिल से नहीं माना है और हमेशा से कहते रहे कि संविधान में जो हिंदू मूल्य है जो भारतीय मूल्य है उसकी कमी है ये दरअसल विदेश से लिया गया है ये एक तरीके के उधार का संविधान है जो पश्चिमी मूल्यों से प्रेरित है तो जब वो इस बात को कहते हैं तो उसका मतलब यह है कि वो संविधान से सहमत नहीं है सहमत नहीं तो जाहिर सी बात उसको बदलने की कोशिश करेंगे अभी आपने देखा जो तो आई को सीआरपीसी को उस जिस तरीके से बदलाव करने की कोशिश उन्होंने की है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने आप को एक हिंदू हिंदू नेता के तौर पर पेश करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की राय बिल्कुल फर्क थी भारत के दूसरे प्रधानमंत्रियों की राय बिल्कुल फर्क थी वो हमेशा इस बात से अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते थे कि जो प्रधानमंत्री है जो सरकार है वो किसी एक धर्म की नहीं होनी चाहिए उसकी पहचान सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वालों की होनी चाहिए तो बस यस आपका सवाल अच्छा है और मुझे इसमें संदेह नहीं है कि अगर इनको तीसरा टर्म मिलेगा तो संविधान में बदलाव करने की कोशिश करेंगे क्या ये आधिकारिक तौर पे हिंदू धर्म को एक स्टेट रिलीजन बनाने की बात करेंगे जैसा कि पाकिस्तान में किया गया है मुझे अभी उस बारे में उतनी क्लैरिटी नहीं है सत्यपाल मलिक जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो यहां तक एक इंटरव्यू में बोल गए हैं कि ये इंडिया का लास्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा क्योंकि अगर ये फिर से मे में वापस आ गए तो ही सेड कि मुश्किल है कि ये आगे इलेक्शन क्या और करवाएंगे फिर से सतपाल मलिक की राय से मैं मैं उतना इत्तफाक नहीं रखता हूं मैं अभी भी पेसिमिस्ट नहीं हूं मैं भी भी निराशावादी नहीं हूं मुझे लगता है कि अगर इस देश के अंदर कोई ऐसी कोशिश की जाएगी तो देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ लोगों की एक आदत अब लोकतंत्र में रहने की हो गई है तो सरकार के दबाव में या किसी बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के दबाव में या किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के दबाव में वो कुछ समय तक तो चुप रह सकता है लेकिन अगर चुनाव ही अगर एक तरीके से हाईजैक कर लिया जाए चुनाव ही अगर फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो फिर आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है ये तो संभव है कि संविधान का सहारा लेकर या मीडिया का सहारा लेकर या संसद का सहारा लेकर कुछ बड़े बदलाव कर दे ये तो संभव है लेकिन चुनाव को हाईजेक कर लेना चुनाव न होने देना यह मुझे अभी फिलहाल संभव नहीं लगता आपने अपनी किताब में मुसलमानों का भी एक जिक्र किया है दलितों का जिक्र किया है इसमें इसमें आपने बाकी पैसे क्रिस्टनिटी को क्रिस्टी का जिक्र किया है आपने खासकर आपने मुस्लिम्स को एक जगह लिखा है कि ये उनको एनमी ऑफ द नेशन बनाना चाहते हैं ये जो मुसलमान और एनमी ऑफ द नेशन है ये क्या है इस सरकार में देखिए ये पहली बात तो ये कि ये कि किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है ये इसकी बुनियाद है इस्लाम और से से हेट नफरत इसीलिए इनका कोई भी कोई भी बातचीत अगर आप देखें तो फॉरन पाकिस्तान की बात करते हैं इस्लाम की बात करते हैं मैं इनको बार बार आ, कहता हूं कि आगर आगर आप अगर आप हिंदू धर्म के बारे में बातचीत करते तो उसका इस्लाम से रेफरेंस लेने की क्या जरूरत है या मुसलमान से रेफरेंस लेने की क्या जरूरत है पाकिस्तान किसके रेफरेंस में हिंदू धर्म को देखने की क्या जरूरत है आप हिंदू धर्म पर बात करिए लेकिन हिंदू धर्म बात नहीं करते तो बुनियाद क्या है हेट टूअर्ड्स मुस्लिम हेट टूवर्ड्स इस्लाम हेट टूअर्ड्स क्रिस्टानिटी ये इनका ये ये बेसिक कोर है और उस कोर की वजह उनको लगता है कि ये जो इस्लाम जब भारत में आया या क्रिश्चियनिटी भारत में आई इसने हिंदुस्तान के हिंदुओं को जो है वो अपना गुलाम बना लिया और हिंदू और हिंदू उनका मुकाबला नहीं कर पाए तो इसलिए वो उसको एनिमी की न, नजर से देखते हैं और ये एक सच्चाई है इस सच्चाई को हम जितना बेहतर तरीके से समझ लें वो उतना ही बेहतर होगा जो बीच बीच में ये मुस्लिम आउटरीच की कोशिश करते हैं या जो देवबंद से जिस तरीके से अरशद मदनी से जिस तरीके से जाके भागवत मोहन भागवत से मुलाकात करने की कोशिश की है या मुस्लिम विचार मंच जो बनाने की कोशिश की गई है या पसमानदा मुसलमानों की जो बात की गई है ये सब एक तरीके का डिस्सेप्शन है और इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तो मेरे दिमाग में इस बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वन थिंग विच डिफाइन्स हिंदुत्व

तो बहुत से वो निगेट करते हैं कि ये बिगट्स थे ऑल द द सिक्स सिक्स और ऑल दिक्सान अगर फॉर ये बिगट्स भी थे और इन्होंने हिंदू पे जुल्म भी किया जो आज के मुसलमान है जिम्मेवार हैं आज का मुसलमान उस उन चीजों के लिए जो आज से पहले 300 साल 400 साल 600 साल 800 साल पहले हुई हैं उन चीजों के लिए आज का मुसलमान कैसे हो देखिए इसको दो तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए पहली बात तो ये है कि हिस, हिस्ट्री को दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है एक वो है जिसमें कहा गया कि जो मुस्लिम सुल्तान आए जो मुसलमान रूलर्स बाहर से आए वो वो अपनी उस वक्त का जो आ, जो, का का जो मिजाज था लोगों का उस वक्त सरकारों या राजाओं का जो मिजाज था सुल्तान का मिजाज था वो बेसिकली चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे क्रिश्चन हो चाहे सख हो चाहे गुण हो वो बेसिकली सत्ता पे कब्जा करना चाहते थे वो 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 राजा बनना चाहते थे ज़्यादा से ज्यादा पावर इकट्ठा करना चाहते थे एक इंटरप्रिटेशन वो है उसमें धर्म को लेके उनकी वो धर्म इस्लाम को हिंदुस्तान में स्टैब्लिश करने के लिए आए थे ये 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 लालच उनके अंदर शायद नहीं था और अगर होता इसलिए मेरे मेरा बार बार ये मानना अगर वो अगर ऐसा कुछ होता तो फिर आ, हिंदुस्तान आ, आज पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री हो गया होता बिल्कुल होता अगर, अगर, अगर वो इतने पावरफुल थे मुगलिया एम्पायर तो बहुत पावरफुल थी वो अगर चाहती तो जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके पूरे हिंदुस्तान को जो है वो सारे हिंदुओं को मुसलमान कर देती या उनका इस्लामीकरण कर देती तो वैसा क्यों नहीं हुआ सिर्फ एक तिहाई या एक चौथाई लोग ही वो भी जो दलित तबके के थे या पिछड़े तबके के थे वही मुसलमान क्यों बने तो एक इंटरप्रटेशन तो ये है हिस्ट्री का लेकिन जो इनका इंटरप्रटेशन है उनका इंटरप्रटेशन ये है कि दरअसल ये सब आए थे तो हिंदुस्तान को मुसलमान इस्लामी कंट्री बनाने के लिए लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि जो हिंदू 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 धर्म में जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत पावरफुल थी और वो उसकी वजह से हम लोग बच गए अब आ, 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 ये जो ये दो इंटरप्रिटेशन के बीच की जो जर्नी है आ, उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होगी अब जैसे आप टीपू सुल्तान का उदाहरण लीजिए सुल्तान ने तो श्रृंगेरी का मठ था आ, उसको जब वहां पे हिंदू राजाओं ने अटैक किया उस मठ को पूरी तरीके से उजाड़ दिया तब वहां के शंकराचार्य ने टीपू सुल्तान को खत लिखा टीपू सुल्तान ने, ने उस, उस, उस मठ को एक तरीके से बचाया उसके जीर्णोद्धार के लिए के, के लिए उन्होंने पैसे वैसे दिए शंकराचार्य को उन्होंने शरण दी तो अगर वो बिगट होते तो हिंदू मठ को बचाने की कोशिश क्यों करते शंकराचार्य को बचाने की कोशिश क्यों करते उनके जीर्णोद्वार की कोशिश क्यों करते और मैं आपको बताऊं कि ये ये जो इंटरप्रिटेशन है ना ये समय समय को बदलता रहता है दो के पहले के अगर आप देखिए तो येदुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे वो टीपू सुल्तान की तरीके से कपड़े पहनते थे और वो टीपू सुल्तान को एक तरीके से मुसलमानों हिंदुओं का दुश्मन नहीं मानते थे लेकिन जैसे जैसे कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी पावरफुल होती गई वैसे उसे उन्होंने टीपू सुल्तान को एक पोलराइजिंग फिगर के तौर पर यूज किया और एंटी हिंदू के तौर पर पे पेश करने की कोशिश की है तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि इस, इनकी विचारधारा में डिसेप्शन भी बहुत है अपॉर्चुनिज्म भी बहुत है और उनका एकमात्र थे ये है कि जो हिंदुस्तान है इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनली तब्दील किया जाए या ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए जिसमें सिर्फ हिंदुओं का बोलबाला हो और मुसलमान और दूसरी माइनॉरिटीज हैं वो हाशिए पर हैं सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रहे तो जो हिस्ट्री का जो इंटरप्रटेशन है उस वो एक वो इंटरप्रिटेशन मेरी नजर में सही नहीं है क्योंकि जैसे अगर आप देखिए बाबर को किसने बुलाया था बाबर को बुलाने वालों में उस वक्त जो हिंदू राजा थे राणा सांगा उन्होंने बुलाया था या जब जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है शायद भूल रहा हूं थोड़ा सा तो और जब पानीपत की लड़ाई तीसरी लड़ाई हो रही थी तो सारे हिंदू एक साथ तो नहीं लड़े थे उसमें से जो कुछ थे उन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया था उन्होंने तो एक तरह और उनकी वजह से पानीपत की तीसरी लड़ाई हारे थे मराठा हारे थे तो अगर हिंदू धर्म एक या धर्म अगर यूनिफाइंग यु, फोर्स होता तो सारे हिंदू एक साथ लड़ते सारे मुसलमान एक साथ लड़ते वैसा तो हुआ नहीं तो इसलिए ये ये डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ हिस्ट्री है अब फॉरचुनिटी अनफॉरचुनिटी डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ हिस्ट्री आज बहुत पावरफुल है और ये हमेशा ये ऑब्जर्व uh, किया जाता है कि हमेशा जो इंडियन मुस्लिम है उसको क्यों हमेशा प्रूव करना पड़ता है कि वो इंडियन पहले या वो इंडियन ज्यादा होना चाहिए मतलब ये जो साइकोलॉजी है ये क्यों है मतलब मुसलमान को शक्यतारे से शक्ति नजर से क्यों हमेशा देखा जाता है ये तो इनकी विचारधारा का का के कोर बिंदुओं में से है अगर आप इनकी विचारधारा को देखेंगे गोलवलकर की विचारधारा को देखेंगे उनकी जो उनकी जो राइटिंग्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो वो तो बहुत स्पष्ट तौर पे लिखते हैं कि मुसलमान जहां रहते हैं वो एक तरीके से मिनी पाकिस्तान बना लेते हैं अब इस सोच इस सोच को आप नहीं बदल सकते उनकी ये उनकी सोच है इस सोच को आप नहीं बदल सकते तो चूंकि ये उनकी उनकी विचारधारा का हिस्सा है इसलिए मुसलमान को वो वो एक तरीके से हमेशा शक की नजर से ही देखते हैं और मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों के साबित करने की जरूरत है कि वो हिंदू वो हिंदुओं से कम देशभक्त है ये 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 बात अलग है कि उन्नीस में भारत का विभाजन हुआ लेकिन जो मुसलमान यहां रह गए उनके पास तो ये विकल्प था वो चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे वो क्यों नहीं पाकिस्तान गए तो इस पर विचार इस पर जो है वो आरएसएस के लोग इस पर सो, इस ये नहीं सोचते वो इस तरीके से सोचते हैं कि मुसलमानों की वजह से देश का बंटवारा हुआ अगर मुसलमान नहीं होते तो हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता मेरा कहना यह है कि जो बंटवारा हुआ सो हुआ वो तो अतीत का हिस्सा है लेकिन जो मुसलमान यहां रह गए उनके पास तो ये ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान जा सकते थे उन्होंने क्यों एक इस्लाम के नाम पे बने हुए पाकिस्तान में जाने की जगह हिंदू मेजॉरिटी भारत में रहने का फैसला किया तो आप उनकी उनकी देशभक्ति पर सवाल क्यों खड़े करते हैं वो अगर देशभक्त नहीं थे तो हिंदुस्तान में क्यों कुछ नहीं कर सकते आपने अपनी किताब में एक पूरा एक चैप्टर जम्मू एंड कश्मीर पे खासकर कश्मीर जो आपने लिखा है पूरा एक चैप्टर पढ़ रहा था कश्मीर में एक सेंस ऑफ एक सेंस ये है कि व्हेन इट कम्स टू तो कश्मीर इन जो सेक्युलर लिबरल हिंदुस्तान का है वो भी टो करता है बीजेपी की क्या ये चीज सही है कि जो इंडियन सेक्युलर इंडियन लिबरल बैकग्राउंड का है या स्कूल ऑफ थॉट का है वो भी कश्मीर के साथ नहीं है या कश्मीरियों के साथ नहीं है व्हेन इट कम्स तो टू कश्मीर कश्मीर का जो का जो मसला है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड uh, मसला है उसको हम ब्लैक एंड वाइट में में नहीं देख सकते हैं ये इसको हमें पहली बात समझने की कोशिश करनी चाहिए uh, ये बात बिल्कुल गलत है कि uh, uh, कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तान का लेफ्ट लिबरल तबका नहीं है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा इनफैक्ट माइनस बीजेपी बहुत बड़ा हिस्सा वो उनके साथ है उनके साथ उनकी सहानुभूति है और हमारे जैसे लोग तो लगातार कई मंचों पर इस पे इस पे इस पर लड़ाई भी लड़ते रहे हैं कि अगर वहाँ चंद आतंकवादी हैं या चंद अगर सेपरेटिस्ट हैं तो हर कश्मीरी को आ, सेपरेटिस्ट मान लेना या हर कश्मीरी को आतंकवादी मान लेना ये वाजिब बात नहीं है ये गलत बात है हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है आ, अब आ, इसलिए ये जो इंटरप्रटेशन है इंटरप्रटेशन ठीक नहीं है आ, मेरा अपना अपना मानना यह है कि आ, जो कश्मीर की समस्या है वो बहुत सारी गलतियों का एक मुल्मा है और इसलिए सारे कश्मीरी जो है आतंकवादी हैं ये सोच गलत है अब आज की आज की जो सत्ता है आज की जो सरकार है वो पूरे एक तरीके से कश्मीर को वो मानती है कि चूंकि वहां वो मुस्लिम बहुल आबादी का इलाका था इसलिए वहां पे आतंकवाद हुआ इसलिए वहां पे सेपरेटिज्म फैला इसलिए कश्मीर के अंदर इतनी इतनी दिक्कत पैदा हो रही तो वो उसको इस्लाम के इस्लाम से जोड़ देते हैं और इस्लाम से जोड़ जोड़ देते हैं फिर वो देश के सामने खाका पेश करते हैं कि देखो जहां भी मुसलमान मेजोरिटी में रहता है वहां वो वो हिंदुस्तान से अलग होने की बात करता है या हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करता है ये जो सोच है ये सोच प्रॉब्लमेटिक सोच है और इस इस इससे हिंदुस्तान का जो एक लिबरल तबका है उसको अलग करके देखना चाहिए और कश्मीरियों को भी ये बात समझनी चाहिए कि एक तबका है जो जो हिंदुत्ववादी है जो उनको जो जिसको लगता है कि कश्मीरी देशभक्त नहीं है लेकिन उससे बड़ा तबका हिंदुस्तान के अंदर है जो कश्मीर कश्मीरियों को आतंकवादियों से अलग करके देखता है दुनिया की कोई भी कौम दुनिया की कोई भी सभ्यता जो है वो आतंकवादियों के साथ नहीं हो सकती अगर आप आतंकवाद के माध्यम से अगर समस्या का समाधान करना चाहेंगे तो कोई आपको सहानुभूति नहीं देगा क्योंकि आप मासूम लोगों की जान ले रहे हैं और मासूम लोगों की जान लेने वाले, वालों के साथ दुनिया में कोई संपत्ति नहीं रखता मेरी भी कोई उनके साथ संपत्ति लेकिन मुझे यह कहना कि मैं कश्मीरियों के, के साथ नहीं हूं या मैं कश्मीरियों को देशभक्त नहीं मानता यह गलत है बीजेपी इसमें भी डिस्ट्रॉशन करता है कि आज का जो कश्मीर है वो इंडिया के साथ बिकॉज ऑफ पटेल है आप अपनी किताब में लिख रहे हैं? नहीं बिकॉज ऑफ पटेल नहीं बट बिकॉज ऑफ नेहरू जिसपे बिल्कुल पर्दा रखा जा रहा है इस पे थोड़ी सी अगर आप वजाहत करते थोड़ी सी बात देखिए ये तो ये तो प्रोपोगंडा का हिस्सा है और इसीलिए मैंने इस पे इस पे मेरी जो किताब की जो थीसिस है जो मेन थीसिस है वो यही है कि मेरा अपना मानना ये है कि जो गांधी है दरअसल आरएसएस के आरएसएस जिनसे कभी नहीं लड़ सकता उनका नाम था महात्मा गांधी और वो इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी महात्मा गांधी की जो सोच थी उससे जो हिंदुत्ववादी हैं या जो आरएसएस के लोग हैं वो उससे तफाक नहीं रखते हैं और उनको लगता है कि ये जो गांधी की जो अहिंसा है इसकी वजह से वो हिंदुओं को कमजोर करती है और हिंदू जब कमजोर होता है इसी वजह से मुसलमान या क्रिश्चियन आके इनके ऊपर शासन करते हैं तो वो गांधी की गांधी का जो कोर है अहिंसा है आ, उससे वो एक तरीके से न की नहीं बल्कि नफरत करते हैं और कहीं ना कहीं गांधी की हत्या भी इसी वजह से की गई थी हालांकि कभी ये साबित नहीं हो पाया कि गांधी की हत्या के पीछे आर के लोगों का हाथ है लेकिन गांधी की हत्या भी इसी वजह से की गई थी कि गांधी जो है वो हिंदुओं को कमजोर करते हैं गांधी से चूंकि नहीं लड़ सकते हैं गांधी की एक एक ऐसी स्वीकृति है इस देश के अंदर कि आप उनकी उनकी मुखालफत करते हुए नहीं रह सकते कोई भी सरकार नहीं रह सकती आज की तारीख कल बदल जाए तो मुझे नहीं मालूम लेकिन गांधी के जो उत्तराधिकारी थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू चूंकि प्रधानमंत्री बने सरकार में सत्रह साल सत्रह साल तक रहे तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनको मलाइन करना उनके बारे में डिस्टॉर्टेड पिक्चर पेश करना उनकी उनको डिस्क्रेडिट करना ये ज्यादा आसान है बजाय गांधी के तो वो नेहरू को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं वो नेहरू को कश्मीर पॉलिसी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं हकीकत क्या है कि सरदार पटेल ने माउंट बेटन के माध्यम से शेख अब्दुल्ला को या कोई एक मैसेज दिलाया था वह कश्मीर के लोगों को मैसेज राजा हरी सिंह को मैसेज दिलाया था कि अगर आप पाकिस्तान भी जाना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सरदार पटेल की यह सोच थी कि, कि कश्मीर जो है एक बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाला है आने वाले समय में तो ये चला ही जाए तो बेहतर है। सरदार पटेल की सोच थी तो सरदार पटेल ने माध्यम से राजा सिंह को दिलवाया था लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे किसी भी हालत में कश्मीर भारत से भारत से अलग हो अब यह तस्वीर नहीं पेश की जाती यह बात नहीं बताई जाती लोगों को क्योंकि अगर यह बात बताएंगे तो फिर जवाहरलाल नेहरू को पॉजिटिव लाइट पे पेश करना पड़ेगा और पॉजिटिव लाइट पर अगर पेश करेंगे तो फिर जवाहरलाल नेहरू की जो विचारधारा है जिसको कांग्रेस पार्टी ओन करती है, तो है।, है किताब में जो जम्मू में से क्या आपने किया है और आप लिखते हैं कि जम्मू में से इस वजह से किया गया था आरएसएस की तरफ से इन हिंदुत्व फोर्सेस की तरफ से ताकि अगर कल भी वहां पे हो जाए तो जो जम्मू है वो एट लीस्ट उसकी डेमोग्राफिक चेंज करके वो एट लीस्ट वोट कर ले इंडिया के लिए हाउ डी सी इस पे रोशनी डालें कि क्या बेसिकली हुआ क्या था जो देखिए ये आ, ये वो इतिहास का वो पहलू है जो दरअसल जिस पर बहुत ज्यादा रोशनी नहीं डाली उस छुपा दिया गया मैं तो कहता हूँ उसको छुपा दिया गया मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी Uh, जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे ये जानकारी पता चली कि 1947 में जब पार्टीशन की बातचीत चल रही थी तब बड़े पैमाने पे जम्मू में और जम्मू में उन दिनों जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हुआ करता था मुस्लिम मेजोरिटी मेजोरिटी स्टेट थी तो बड़े पैमाने पे वहाँ के राजा और राजा और वहाँ पे जो हिंदुत्ववादी ताकतें थी इन सबों ने बड़े पैमाने पर मैसे कर कराए थे और इसकी इसकी जो जानकारी है उस पर बाकायदा दो या दो मुझे याद है वेद भसीन जो जम्मू के एक बड़े पत्रकार हुआ करते थे उन्होंने एक पेपर जम्मू यूनिवर्सिटी में पेश किया था और वो पेपर अब वो पेपर अभी भी उपलब्ध होना चाहिए कहीं कही ना कहीं तो उसमें इसका बहुत बड़े पैमाने पर जिक्र था कि किस तरीके से वहाँ बड़े पैमाने पर कराया गया था कि मुसलमानों को जम्मू के पास के एक जंगल में ले जाया गया और वहाँ उनको उन, उन, उन पर गोलियां दागी गई थी आ, मैं भी मैंने भी जब ये पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरानी हैरानी हुई क्योंकि मुझे मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा कांड हो गया था और फिर भी मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी आपको याद होगा कि जब कठुआ कांड हुआ था तो उस वक्त वहाँ बीजेपी के एक नेता थे और उन्होंने ये धमकी दी थी कि उन्नीस को मत भूलना तुम तो। और वो वो धमकी उस, उस धमकी का रेफरेंस पॉइंट ये था कि जब हम उस वक्त जो हुआ था वो आज फिर हो सकता है तो वो एक, एक बहुत ही दुखद पहलू है जिसको हमारे इतिहास में जिसका जिक्र बहुत कम होता है आपने अको दलित का भी इसमें जिक्र है आपकी किताबें और बहुत अच्छे से आपने जिक्र किया जो वर्मुला थे रोहित वर्मुला उनका जिक्र है दलित के साथ क्या होता है बहुत से आपने इंसिडेंट स्पोर्ट किए हैं कि कैसे लिंचिंग के जरिए जो इस मटन ट्रेड के साथ है कैसे उनको तंग किया हरासा किया जाता है जो मुसलमान और दलित है क्या फ्यूचर देखते हैं आप इन दोनों कम्युनिटीज का इंडिया में देखिए दोनों ही कम्युनिटीज आज की तारीख में हाशिए पर है हिंदुस्तान के अंदर तो दलित बहुत लंबे समय से हाशिए पर हैं। बहुत लंबे समय से हाशिए पर है बल्कि मैं कहूं कि बौद्ध धर्म के बाद से ही वो हाशिए पर हैं और उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो तो बहुत ही गलत है बहुत ही गलत उसको आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई नहीं कर सकते यहां तक कि कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो ब्लैक्स हैं उनसे भी ज्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया है ब्लैक्स की जो स्लिवरी थी वो तो स्लेव सिस्टम से बाहर आ सकते थे आ, वो फ्री मैन हो सकते थे लेकिन दलित हिंदुस्तान की जाति प्रथा की वजह से कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाए यहाँ तक कि खुद मोहन भागवत जो आमग़ आमग़ आरेसे आरेसे के आरेसे के ने जो आर के प्रमुख उन्होंने कहा कि हमने 2000 साल तक हमने 2000 साल तक इन लोगों के साथ पशुओं की तरीके से पशुओं से बदतर व्यवहार किया है आप सोचिए खुद आर की अपनी ऐसी समझ है तो आज भी हमारा वो जो कास्ट सिस्टम है आज भी उतना ही वर्चस्ववादी है आज भी दलितों के साथ बहुत द्वयम दर्जे का व्यवहार होता है उनको इंसान नहीं समझा जाता है और जब आप इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो लोग उसको बात भी नहीं करना करने देना चाहते जैसे ही आप दलितों के बारे में बात करें कहेंगे देखिए आप तो जातिवाद बढ़ा रहे हैं जब आप पिछड़ों के बारे में बात करें तो कहेंगे आप तो आप जातिवाद बढ़ा रहे हैं लेकिन जो लोग जाति की वजह से ही अपने वर्चस्व को स्थापित किए हुए हैं वो अपना वो उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते तो मेरा अपना मानना यह है कि ये जो दलित चेतना है जो अंबेडकरवादी चेतना है वो धीरे धीरे बहुत प्रज्वलित हो रही है और ये एक दिन अपना हक मांगेगी अब मांगना उसने शुरू कर दिया है और काफी हद तक उनको हक मिल भी रहा है और इसका अलायंस मुसलमानों के साथ होगा क्योंकि मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो दलितों और पिछड़ों से पिछड़ों से आया हुआ है जो मूलतः हिंदू थे और बाद में कन्वर्ट हुए वो इसलिए कन्वर्ट हुए थे क्योंकि उनको हिंदू धर्म में जाति प्रथा की वजह से इंसाफ की उम्मीद नहीं थी उनको बराबरी का एहसास की उम्मीद नहीं थी इसलिए वो कन्वर्ट हुए थे तो वो एक एक नेचुरल एफिनिटी दोनों के बीच में है मुझे लगता है कि वो एफिनिटी एक दिन सामने आएगी अस्टोर जी हमें लगभग अब चालीस मिनट हुए हैं इस, इस पॉडकास्ट पे और मेरा जूम पांच मिनट दिखा रहा है तो मैं आपको फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ अगर जो इस वक्त देश में हो रहा है अगर हम इसको पीछे देखें ये कब से शुरू एक important milestone हमें मिलता है 2012 और 2013 के प्रोटेस्ट, जो mm -hmm. ने जो थे अरविंद केजरीवाल आप ऑन आल्सो पार्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल एज अ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समवेयर इन ऑल दिस तो अब आज ऑलमोस्ट दस बारह साल के बाद कैसे देख रहे हैं आप प्रोटेस्ट अगर वो उस टाइम करप्शन के खिलाफ थे आज आज क्यों नहीं, hmm. नहीं? आज कहा है अगर आज करप्शन है बाकी सब चीजें hmm. <coughs> देखिए अगर आप ईमानदारी के साथ अगर उसका अन्वेषण करेंगे या उसकी उसकी विवेचना करेंगे तो जरूर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अगर अन्ना का आंदोलन नहीं होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी इतनी पावरफुल नहीं होती या भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार में नहीं आती क्योंकि अन्ना के आंदोलन ने आंदोलन ने एक अलग चीज थी लेकिन उस आंदोलन के जरिए जो कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई कांग्रेस जो डिस्क्रेडिटेड हुई कि ये एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ भ्रष्टाचार करती है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है तो कांग्रेस की छवि को पूरी तरीके से खत्म कर दिया उस आंदोलन ने लेकिन अभी कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप उनके ऊपर थे देखिए आज, तो आज की तारीख में कोई वो आरोप लेटमी लेट मी मी लेट 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 मी एक्सप्लेन दिस आज की तारीख में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि वो वो वो, भ्रष्टाचार उनके यहां नहीं है तो ये गलत है भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि उनके लोग भ्रष्टाचार नहीं करते तो यह गलत है समाजवादी पार्टी के लोग कहे कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है गलत है एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश के अंदर नहीं है जो ये दावे के साथ कह सकती है कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी उस वक्त सरकार में थी एक के बाद एक नए घोटाले सामने आ रहे इसलिए उन और उन घोटालों की जो तस्वीर पेश की गई वो तस्वीर ऐसी थी जो भयावह लगती थी आज जब हम बैठ के देखते तो मुझे लगता है कि वो टू जी में तो कुछ भी साबित नहीं हो पाया जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाला था उसमें तो कुछ भी साबित नहीं हो पाया तो मन में यह संदेह भी पैदा होता कहीं किसी वो बहुत बड़े षड्यंत्र का एक हिस्सा तो नहीं था अगर आ, मैं ये नहीं कहता हूं कांग्रेस पार्टी में करप्शन नहीं है करप्शन है जैसे सारी राजनीतिक पार्टियों में करप्शन कुछ में करप्शन ज्यादा है, कुछ में करप्शन कम है तो अन्ना के आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी के करप्शन को इतना बड़ा कर दिया कि लोगों लोगों लो, का मन जो है वो कांग्रेस पार्टी से हट गया और लोगों को लगने लगा ये ये हिंदुस्तान की सबसे करप्ट पार्टी है पार्टी और ने की थी हाँ आर एस एस ने और बीजेपी ने इस आंदोलन का फायदा उठाया कांग्रेस को डिस्क्रेडिट किया लोगों की नजरों में और सरकार में आए जी आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए मेरे साथ में आपकी किताब को एक बार और फिर से अपने दर्शकों के लिए दिखाता हूँ so बहुत दर्शक इस किताब को खरीद लें 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 पढ़ और फिर समझ लें कि तो क्या रहा है आजकल देश थैंक यू वेरी मच बहुत talking. बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई आपने इतनी ईमानदारी के साथ पूरी किताब को पढ़ा है आ, उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग इस किताब को इस तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि मेरी पूरी कोशिश ये थी कि, कि किसी भी सरकार के बारे में लिखना तो बहुत आसान है लेकिन उस सरकार की सोच क्या है जो जो और जो इस सरकार को चलाती है कि जो वो जो वो कदम उठाते हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं वो क्यों उठा रहे हैं किस लिए उठा रहे हैं उसका 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 एम क्या है उसका गोल क्या है तो ये बताने की कोशिश थी कि जो लोग मैं बहुत हैरान रह गया था जब मैं इस किताब के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जिनको जानक जो जिनको लगता था कि 2014 के बाद जो सरकार आई है इसमें पुरानी सरकारों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है तो मुझे लगा कि इन्होंने जो ओरिजिनल लिटरेचर वो पढ़ाई नहीं इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं थैंक यू थैंक यूतुष्टी थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल रिपोर्टेज एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिमेन अपडेटेड